session, we will discuss our third chapter of grade third, that is give and take. Okay? What is the meaning of give and take? Give means किसी को कुछ चीज़ देना, okay? And take means उनसे कोई चीज़ ले लेना. And how give and take is related to mathematics? Give means subtraction and take means addition. So today in this session we will do some word problems which is based on the chapter give and take. So here we go. Our first question is the total population of a town is 9,659. A town है, उसकी total population means हमें जो total लोग रहते हैं उनके number कितने हैं? That is 9,659. So वहाँ पे 9,659 लोग रहते हैं. If the adult males and females are 3,562 and 3,258 respectively. Means उस टाउन में अगर 3,562 मेल्स आदमी रहते हैं एंड 3,258 फीमेल्स इट मींस औरतें रहती हैं. सो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन. अब आपको उस टाउन में बच्चे कितने हैं आपको ये फाइंड आउट करना है. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज दैट ये आपका टाउन है. ओके, टाउन में टोटल 9,659 लोग रहते हैं इंक्लूडिंग मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन. अब अगर आपके जो मेल हैं वो है 3,562 एंड फीमेल जो है वो है 3,258, तो चिल्ड्रन कितने होंगे? सो बच्चों अगर आप इसमें ध्यान से देखो, अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड कर दें, इट मींस इफ वी ऐड टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ओके, एंड देन सब्ट्रैक्टेड टू द टोटल पॉपुलेशन, then we will find the number of children. अगर हम total में से males कितने हैं उन्हें अलग कर दें, females कितनी हैं उन्हें अलग कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? Total number of children. So just do it. Total population of a town. तो total population क्या है? 9,659. Number of adult males. तो total males कितने हैं? 3,562. नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स, फीमेल्स कितनी है? 3,258. नाउ टोटल नंबर ऑफ एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स इट मींस दोनों को मिला के टोटल कितने लोग हो रहे हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे. 8 + 2 = 10, 0, कैरी 1. 6 + 5 = 11, 11 + 1 = 12, इट मींस 2, देन कैरी 1. 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 3 + 3 = 6. So now total number of male and female are 6,820. Now total number of children, अब हमें total number मिल गए ना male और female के. अब उसको हम total में से जितने लोग उस town में हैं, अगर हम उसमें से इन males और females को हटा दें तो हमें क्या मिलेंगे? Children. It means टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9,659. टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो मेल्स एंड फीमेल्स को. 6,820 दैट इज इक्वल्स टू 9 - 0 = 9, 5 - 2 = 3, 6 - 8, it is not possible, so just take one carry, it becomes 16. 16 - 8 = 8, it becomes 8. 9 आपका 8 हो जाएगा because आपने carry दे दिया है. 8 - 6 = 2. So total number of children are 2,839. आप इसको grid में numbers को रख के then subtract करके find out कर सकते हो. Okay, so just pause the video and write down this question in your notebook. Now student, our question number 2 is, at a polling booth, 1535 males and 1738 females cast their votes. Okay, एक polling booth में, polling मतलब जहां हम वोट देने जाते हैं, वहां पर 1535 males, यानी कि 1535 पुरुष और आदमी एंड 1738 फीमेल्स यानी कि औरतें पर वोट डालती है. ओके, आउट ऑफ दीज
575 वोट्स वर कैंसल्ड। ओके, अब इसमें से क्या होता है 5075 वोट कैंसल हो जाते हैं, किसी रीजन के कारण इतने वोट्स कैंसल हो जाते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो टोटल उस पोलिंग बूथ में कितने वोट्स पड़े हैं। ओके, सो सॉल्यूशन पे आते हैं हम। वोट्स कास्ट बाय मेल्स, अब आपके नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 1535। वोट्स कास्ट बाय फीमेल्स और औरतें जितने वोट देती हैं उनके नंबर्स हमारे 1738। तो टोटल वोट्स कितने हुए हमारे, टोटल मींस एडिशन। सो 1535 वोट्स कास्ट बाय मेल्स, 1738 वोट्स कास्ट बाय फीमेल्स, सो टोटल इज 8 + 5 = 13, कैरी 1, 3 + 3 = 6 एंड +1 = 7, 7 + 5 = 12, कैरी 1, 1 + 1 + 1 = 3, सो टोटल वोट्स आर 3273। नाउ नंबर ऑफ कैंसल्ड वोट्स आर 575। अब आपके 3273 में से 575 वोट्स कैंसिल हो गए, इट मींस हम क्या करेंगे इसको अब सब्ट्रैक्ट, बाय बिकॉज हमें 3273 में से 575 वोट्स बाहर ले लिए, उनको हमें काउंट नहीं करना है। सो अगेन सब्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इक्वल्स टू, अब हमारे पास जो वोट है जिन्हें हमें काउंट करना है कितने हो गए, टोटल वोट्स में से हम कैंसिल वोट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट इज 3273 - 575, ओके, सो 3 - 5 नॉट पॉसिबल, सो कैरी 13 - 5 = 8, नाउ हियर इज 6 - 7 अगेन नॉट पॉसिबल, सो अगेन वी विल टेक कैरी एंड इट बिकम 16 - 7 = 9, here 2 because of the carry it become 1, so 1 again is not possible, so carry and in place of 2 it's 11, 11 - 5 = 6 and here is 2, so total number of valid votes are 2698. So pause the video and note down your question and answers also. Now question number third is, a farmer had 1245 kg of wheat. एक farmer है, उनके पास क्या है 1245 kg wheat है, यानी कि गेहूं है। He sold 425 kg. अब उन्होंने क्या किया, उसमें से 425 kg बेच दिया and gave 275 kg of wheat to his brother. और उस amount में से उन्होंने 275 kg अपने भाई को दे दिया। Now how many kg of wheat does he have? अब उनके पास कितना गेहूं बचा, कितना वीट उनके पास है। ओके, सो हियर देयर इज अ डायग्राम, फार्मर है 1245 kg of wheat, फार्मर के पास कितना वीट था 1245 kg, उन्होंने उसमें से 425 kg सोल्ड किया, बेच दिया। ओके, उसके पास 275 अपने भाई को दे दिया, अब कितना अमाउंट हमारे पास बचा है, हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर सोल्ड इट एंड गिवन, अगर हम इस डाटा को ऐड कर दें तो हमें टोटल अमाउंट वो मिल जाएगा जितना फार्मर अपने वीट में से दे चुका है। ओके, अब इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को अगर हम जो वीट उसके पास पहले था, जितना अमाउंट फार्मर के पास पहले था उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जितना उसके पास अभी है। इसको आप इस तरीके से समझो, सपोज अगर आपके पास 5 कैंडीज थी, आपने 2 अपनी सिस्टर को दे दी, 2 अपने ब्रदर को दे दी, अब आपके पास कितनी कैंडीज बची, तो आपके पास पहले 5 थी, 2 आपने अपनी सिस्टर को दे दी, 2 ब्रदर को दे दी, तो कितनी बची 1, यानी कि टोटल हम जितना ले चुके हैं और हमारे पास जितना था अगर हम उसको से सब्ट्रैक्ट कर दें तो अभी कितना बचा है वो मिल जाएगा। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अमाउंट ऑफ वीट इक्वल्स टू 1245 kg, सोल्ड वीट, अब उसने कितना वीट अपना बेच दिया है 425 kg, वीट गिविंग टू हिज ब्रदर, और भाई को कितना दिया है 275 kg, सो टोटल जितना वो सोल्ड कर चुके हैं और जितना अपने ब्रदर को दे चुके हैं, टोटल अमाउंट कितना है जो वो पूरा दे चुके हैं, दैट इज 5 + 5 = 10, 0 कैरी 1, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10, 0 कैरी 1,
42617, that is 700 kg. It means वो total wheat में से 700 kg wheat को दे चुके हैं. तो अब उनके पास कितना wheat बचा? अब आपके पास जितना उनके पास था उसमें से वो जितना दे दिया है उसको स्प्रेड कर दीजिए. 5 - 0 = 5, 4 - 0 = 4, 2 - 7 इट्स नॉट पॉसिबल, सो 12 - 7 एंड दैट इज 5. सो टोटल अमाउंट ऑफ वीट विच इज लेफ्ट विद फार्मर दैट इज 5,545 kg. जस्ट पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो. Now, our next question, question number 4 is, I have 357 rupees. Suppose that mere paas 357 rupees hain and Rahul has 256 rupees. Rahul ke paas 256 rupees hain. Riya has 159 rupees aur Riya ke paas 159 rupees hain. How much more do I have than Rahul and Riya separately? To mere paas Rahul se kitne rupees zyada hai aur Riya se kitne rupees zyada hai? It means aapko ye find out karna hai कि मेरे पास राहुल से और रिया से दोनों से कितने रुपीस ज्यादा हैं. तो चलिए हम सॉल्यूशन को करते हैं. आई हैव रुपीस 357, मेरे पास कितने रुपए हैं? 357. राहुल हैज रुपीस इक्वल्स टू 256, रिया हैज रुपीस इक्वल्स टू 159. नाउ डिफरेंस विद राहुल, अब मेरे और राहुल के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है? तो हम जहां डिफरेंस आता है दैट इज सब्ट्रैक्शन. So 7 - 6 = 1, 5 - 5 = 0, 3 - 2 = 1. It means I have 101 rupees more than Rahul. It means मेरे पास राहुल से 101 rupees ज़्यादा है. Now difference with Riya. So Riya has 159 rupees. 7 - 9 not possible. So carry it becomes 17. 17 - 9 = 8. Now here, in place of 5, write 4. 4 minus 5, again not possible. So carry and it becomes 14. 14 minus 5, 9. And here is 2. So 2 minus 1, 1. So I have 190 rupees more than Riya. Okay? Mere paas 357 rupees the. Rahul ke paas 256 the. So difference is 101. I have 357 rupees. Riya has 159. So difference is 198 rupees. So just pause your video and write down the question and answer. Now our fifth and last question is, the difference between two numbers is 103. कोई दो नंबर है, उनके बीच का जो difference है, means उनके बीच का जो अंतर है, that is 103. And the smallest number is 395. अब अगर जो छोटा नंबर है वो है 395. So find the greatest number. तो बड़ा नंबर आपको फाइंड आउट करना है. अब अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझें तो आपके पास और भी टू डिजिट्स हैं, क्लियर? उनका जो डिफरेंस है वो है दैट इज 103, क्लियर? इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 395, सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? हम हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं ना. तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? वो कौन सा नंबर है जिससे मैं 395 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आंसर में 103 आए, क्लियर? अब इसको करने के मेथड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज करो कि मेरे पास और मेरी सिस्टर के पास कुछ ट्रॉफीज है. तो उनके पास जो ट्रॉफीज है उनका जो डिफरेंस है वो 2 है. ओके, इट मींस मेरे पास मेरे सिस्टर से 2 कैंडीज ज्यादा है और मेरे सिस्टर के पास 3 कैंडीज है, क्लियर? तो मेरे पास कितनी कैंडीज होगी? इसको दोबारा से समझ लेते हैं. मेरे पास और मेरे सिस्टर के पास जो कैंडीज है हम दोनों का डिफरेंस 2 है. इट मींस मेरे पास मेरे सिस्टर से 2 कैंडीज ज्यादा है. अब अगर मेरे सिस्टर के पास 3 कैंडीज है तो मेरे पास कितनी होगी? सो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं 3 + 2 = 5, तो पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी कैंडीज है. 5 - 3 = 2 होता है ना. ओके, सो इट मींस हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और हमें पता लग जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है. ओके, सो 395 + 103 = 5 + 3 = 8, 9 + 0 = 9, 3 + 1 = 4. सो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 498.
इट मींस अगर हम 498 से 395 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर 103 आएगा। अब हम इसको चेक भी करके देख लेते हैं, आपको चेक नहीं करना है, ओके चेक करके देख लेते हैं कि अगर हम 498 में से 395 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है। 8 - 5 - 3, 9 - 9 - 0, 4 - 3 - 1, सो हमारे पास 103 आ चुका है। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन 498 एंड नाउ 395 इज 103। नाउ पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन योर क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो।